नमस्कार। और आज का टॉपिक है फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें हम लोग बिहार के बारे में स्पेसिफिकली इसका मेंशन करके डाटा को जानेंगे। तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इस बार ये 17th नंबर का है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 17th, और ये क्योंकि 1987 से ये रिपोर्ट पब्लिश होना शुरू हुआ है। और फिर क्या कहते हैं कि ये डाटा कहाँ से मिला, कौन सा सेटेलाइट से, तो इसका नाम है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट रिसोर्ट, ये सैट टू। तो ये डाटा जो भी है प्राप्त हुआ है, तो ये सैटेलाइट से डाटा प्राप्त हुआ। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, और ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश होता है, मतलब एवरी 2 ईयर ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। इसके पहले अभी 21 से पहले कब हुआ था, 2019 में इससे पहले हुआ। तो हम लोग देखेंगे लेटेस्ट डाटा रिपोर्ट जो अभी है 2021 के अनुसार क्या क्या है। तो बिहार का क्या अभी फॉरेस्ट कवर कितना है, बिहार का फॉरेस्ट कवर टोटल 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसको कि हम लोग 7381 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में जो फिगर आपको मेंशन होगा तो आप वहां से लिखेंगे, ठीक है। और ट्री कवर देख लेंगे तो ट्री कवर बिहार का कितना हो जाता है, 2341 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ से जो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो क्या है कि 7381 किलोमीटर स्क्वायर है, ये बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया, बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो 94,163 क्या है किलोमीटर स्क्वायर है। ये कितना परसेंटेज होगा, तो ये जो है फॉरेस्ट कवर कितना परसेंट हो जाएगा, यह हो जाएगा 7.84%। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.48%। 2.48% कितना हो जाएगा, ये बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से अब फॉरेस्ट टाइप में देखते हैं, तो 3 टाइप का फॉरेस्ट मेनली पाया जाता है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंस, एक होता है कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, सघन वन, और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसका देखेंगे तो ये 333 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3286 किलोमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3762 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7381 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल इस बार का फॉरेस्ट कवर एरिया है। एक और यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि 2019 के कंपेरिजन में 75 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। तो कितना इंक्रीज हुआ है तो वो यहाँ से बताना होगा। तो हम लोग दिखा सकते हैं कि 75 किलोमीटर स्क्वायर का के वृद्धि हुआ है। और इसमें अब ये डिस्ट्रिक्ट का हम लोग कंपेरिजन देखेंगे, तो सबसे पहले दो तरह से हम लोग कंपेयर देखेंगे, एक एरिया में देखेंगे और दूसरा साइड देखेंगे कि परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले एरिया वाइज देखते हैं। एरिया वाइज में जो टॉप किया है रैंक, मतलब जो टॉप्ड है, उसमें कैमूर है। कैमूर का कितना, डाटा याद नहीं रखेंगे लेकिन एक बार आप लोग देखिए, इससे हो सकता है कि दिमाग में याद हो जाए कि हाँ भाई कैमूर पहले था, उसका 1051 था। वैसे डाटा नहीं पूछा जाएगा। फिर आपका हो जाएगा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण इसका हो जाएगा 903.34 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 669, ये आपका हो जाएगा रोहतास। तो हम लोग को जो याद करना है कि टॉप में रैंक 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, एरिया वाइज मतलब फॉरेस्ट का ये हो जाएगा 6.9 किलोमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसमें ये तो ऊपर से टॉप हो गया, अगर नीचे से टॉप हो जाएगा, मतलब लोएस्ट अगर देखा जाएगा कि लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है बिहार में, तो शेखपुरा इसका हो जाता है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल ये हो जाएगा 4.19 किलोमीटर स्क्वायर, और जहानाबाद इसका हो जाएगा 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, लोएस्ट है, मतलब ये सब नीचे से टॉप किया और ये आपको ऊपर से टॉप किया। तो सबसे ज्यादा कहाँ है कैमूर में, और सबसे लोएस्ट कहाँ है शेखपुरा में। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एरिया वाइज देख रहे हैं। सिमिलरली अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज वाइज क्या है, परसेंटेज वाइज कंपेरिजन में देखेंगे तो कैमूर, यहाँ पर कैमूर फिर से फर्स्ट है, कितना है, तो 31.56%। जमुई 21.34%, ये ऊपर से टॉप वाला है मतलब। और ये फिर नवादा हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20.72%, ठीक
है, फिर इसमें भी देखेंगे कि लोएस्ट में किसका है, लोएस्ट में इसका देखेंगे तो शेखपुरा, शेखपुरा 0.17%, और फिर आपका ये जगह बक्सर, इसका भी 0.35%, और ये आपका सिवान हो जाएगा, सिवान का भी 0.35%। तो ये क्या है कि हम लोग को फिर डाटा याद करना है, परसेंटेज वाइज टॉप कौन क्या, कैमूर, सेकंड में जमुई, नवादा, लेकिन यहाँ पर पहले कौन क्या था, कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास। तो ये ऊपर से हो गया, नीचे से टॉप में अगर लोएस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एरिया वाइज शेखपुरा लोएस्ट है, और यहाँ भी एरिया वाइज शेखपुरा ही लोएस्ट है, लेकिन दूसरा तीसरा अरवल और जहानाबाद यहाँ बदल के हो जाता है बक्सर और सिवान। तो थोड़ा सा इस डाटा को जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और है, मान लीजिए ये तीन टाइप का फॉरेस्ट है, ये तीन टाइप का फॉरेस्ट है, इसमें कौन टॉप किया, कौन वो किया, इसमें हम लोग देखेंगे। तो डेंस में जो टॉप किया है उसमें भी आपका वेस्ट चंपारण हो जाएगा, मॉडरेट में भी वेस्ट चंपारण हो जाएगा, और ओपन फॉरेस्ट में कौन टॉप किया है तो ये कैमूर हो जाएगा। ये कुछ डेटा जो है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इस डेटा को ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये 70th कब स्टार्ट हुआ था, 1987, कौन सा सेटेलाइट से डेटा हम लोग लेते हैं, तो ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट रिसोर्ट SAT-2, और एवरी 2 ईयर ये कंडक्ट किया जाता है, 2021 का अभी लेटेस्ट है, 2023 में फिर होना है। 19 के मुकाबले कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, तो 19 के मुकाबले इंक्रीज हुआ है 75 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, कम 19 में से, अभी 19 से 2021, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट डाटा क्या, अभी बिहार का फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।